इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कायदा नंबर 15, जिसमें हम दो चीज़ें सीखेंगे। एक तो ये कि अगर वाव या के ऊपर तनवीन आ जाए तो वहाँ पर एक नून की आवाज़ निकलेगी। दूसरे ये कि अगर वाव या के ऊपर तनवीन आती है तो उससे पहले वाले हरूफ पर अगर दो ज़बर या दो ज़ेर या दो पेश है तो उनको एक ज़बर, एक ज़ेर या एक पेश पढ़ा जाएगा। इसकी प्रैक्टिस यहाँ पर हम ऐसे करेंगे। मीम वाव दो पेश मूव वाव ज़बर वा मूव वा। तो देखिए यहाँ पर नून की आवाज़ भी निकल रही है और दो पेश को यहाँ पर सिर्फ पेश पढ़ा जा रहा है। यहाँ पर नीचे इन्होंने छोटा सा लिख करके दिखा भी दिया है कि ये किस तरीके का पढ़ा जाएगा। ता वाव दो ज़ेर तिव वाव ज़बर वा तिव वा। रा वाव दो ज़ेर रिव वाव ज़बर वा रिव वा। या दो ज़बर यन या पेश यू यन यू। नीचे यहाँ पर जो छोटे छोटे हरूफ लिखे हुए हैं ये आपको नहीं पढ़ने हैं, क्योंकि यहाँ पर ये सिर्फ समझाने के लिए लिखे गए हैं कि अगर वाव या के ऊपर तनवीन आती है तो वहाँ पर एक नून की आवाज़ निकलेगी और उससे पहले वाले हरूफ पर अगर दो ज़बर, दो ज़ेर या दो पेश है तो उसको एक ज़बर, एक ज़ेर या एक पेश पढ़ा जाएगा। दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश नहीं पढ़ा जाएगा। आगे देखिए, ता या दो ज़बर तय या ज़बर या तय या। हमजा मीम दो ज़ेर इम मीम ज़बर मा इम मा। ज़ा लाम दो ज़बर ज़ल लाम ज़बर ला ज़ल ला। फ़ा रा दो पेश फुर रा ज़बर रा फुर रा। हमजा नून दो ज़ेर इन नून दो पेश नुन इन नुन। ता लाम दो ज़बर तल लाम दो ज़ेर लिन तल लिन। क़ाफ़ ता ज़बर क़त ता ज़बर ता क़त ता। यहाँ पर आप एक और नई चीज़ समझ लीजिए कि अगर किसी हरूफ के ऊपर तशदीद होती है और उससे पहले वाला हरूफ साकिन होता है यानी उसके ऊपर जज़म होती है तो उसको नहीं पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे क़ाफ़ दाल ज़बर क़द, बल्कि हम पढ़ेंगे क़ाफ़ ता ज़बर क़त ता ज़बर ता क़त ता। यहाँ पर भी नून को नहीं पढ़ेंगे बल्कि ऐसे पढ़ेंगे हमज़ा लाम ज़बर अल लाम ज़बर ल अल। हमजा वाव ज़बर औ वाव ज़बर वा। लाम दाल ज़बर लद दाल ज़बर दा औ लद दा। तो यहाँ पर इस वाले वाव को छोड़ देंगे और इस वाले ता को छोड़ देंगे। लाम काफ पेश लुक काफ पेश कु लुक कु। यहाँ पर इस बड़े काफ को छोड़ देंगे क्योंकि इसके बाद वाले हरूफ पर तशदीद है और ये साकिन है। और कायदा हमें पता है कि जब किसी हरूफ के ऊपर तशदीद आती है और उससे पहले वाले हरूफ पर अगर जज़म होता है तो उसको नहीं पढ़ा जाता है। इसी तरीके से मीम वाव ज़ेर मिव वाव ज़बर वा मिव वा। मीम या ज़बर मई या पेश यू मई यू। हमज़ा मीम ज़ेर इम मीम ज़बर मा इम मा। आइन मीम ज़बर अम मीम ज़बर मा अम मा। वाव ज़बर वा सीन ज़बर सा। ता लाम ज़बर तल लाम ज़ेर ली ता ज़बर ता काफ वाव पेश कु नून वाव पेश नू। वसतन लितकूनु गैन ज़बर गौ फा वाव पेश फू। रा रा दो पेश रुन रा ज़बर रा हाया ज़ेर ही। मीम दो पेश मुन गफूरुर रहीमुन। मीम पेश मु नून अलिफ ज़बर ना मुना दाल ज़ेर दी। या दो ज़बर यन मुना दी यन। या पेश यू नून अलिफ ज़बर ना दाल या ज़ेर दी युना दी मुना दी यई युना दी। ज़ौ लाम पेश ज़ुल मीम वाव दो ज़बर मव वाव ज़बर वा। ज़ौ वाव पेश ज़ू रा अलिफ दो ज़बर रन ज़ुल मऊ व ज़ूरन। मीम अलिफ मद ज़बर मा हमज़ा मीम दो ज़ेर इम मीम ज़बर मा हा या ज़ेर ही। नून दो ज़ेर निन मा इम महीनिन। काफ ज़बर का स्वाद या ज़बर स्वई या ज़ेर ही। बा मीम दो ज़ेर बिम मीम ज़ेर मी। नून सीन ज़बर नस सीन ज़बर स मीम अलिफ मद ज़बर मा हमज़ा ज़ेर ई कसई बिम मिनस समाई। हमज़ा फा ज़बर अफ ज़ाद लाम ज़बर ज़ल अफ ज़ल। काफ ज़बर का लाम ज़ेर ली
मीम हा जबर माह कलीमा, लाम अलिफ मा जबर ला, हमजा जेर ई लाम खड़ा जबर ला, हा जबर हा ला इलाहा, हमजा लाम जेर इल लाम लाम जबर लल इल लल, लाम खड़ा जबर ला, हा पेश हु इल्लल्लाहु, मीम पेश मु हा मीम जबर हम, मीम जबर म दाल रा दो पेश दुर, रा जबर रा सीन वाव पेश सु, लाम लाम पेश लुल, लाम खड़ा जबर ला, हाजिर ही मुहम्मदुर रसूलुल्लाही, गैन या जबर गई, रा लाम जेर रिल गैरिल, मीम गैन जबर मग, ज़ाद वाव पेश ज़ू, बाज़ेर भी मग़ज़ूबी, आयन ज़बर आ, लाम या ज़बर लई, हा मीम ज़ेर हिम अलैहिम, वाव ज़बर व, लाम ज़ाद ज़बर लज़, ज़ाद अलिफ लाम मद ज़बर ज़ा, लाम या ज़ेर ली, नून ज़बर न, वला ज़ालीन, हमज़ा खड़ा ज़बर आ, मीम या ज़ेर मी, नून ज़बर न, आमीना। अब हम इसको मिलाकर इस तरीके से पढ़ेंगे, वसतन लितकुनु गफूरुर रहीमुन मुनादियन युनादी जुल्मन वजूरन माइम महीनिन कसयिबिम मिनस समाई अफजल कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين। सो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कायदा नंबर 16 जो है हुरूफ मुकत्तियात के बारे में।